बिसमीम असल दोस्तों दोस्तों अक्सर ये सवाल किया जाता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक और श्री श्री डी रवि शंकर के दरमियान होने वाली डिबेट आखिर गई कहाँ वो लोग जो श्री श्री रवि शंकर को नहीं जानते उनकी मालूम के लिए अर्ज है कि श्री श्री डी रविशंकर एक भारतीय हिंदू पंडित है जो कि लोगों को मुसलसल बेवकूफ़ बना रहा है और मजहब के नाम पर लोगों को मजबूर करता है कि वो उस शख्स की पैरवी करने लगें यही हिंदू पंडित बहुत से मौाकों पर डॉक्टर जाकिर नायक के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ मुगलजात भी बकता है और डॉक्टर जाकिर नायक के बारे में एक मौके पर गुफगू करते हुए इस भारतीय हिंदू पंडित ने डॉक्टर जाकिर नायक को अपने पाओं की जूती के बराबर भी करार दिया था और दोस्तों आज से कई साल पहले डॉक्टर जाकिर नायक और श्री श्री रविशंकर शंकर के दरमियान एक बड़ा मकालमा यानी मनाजरा हुआ था जिसमें डॉक्टर जाकिर नायक दीन इस्लाम की नुमाइंदगी कर रहे थे और यह हिंदू पंडित हिंदू मज़हब की नुमाइंदगी करने की कोशिश कर रहा था डॉक्टर जाकिर नायक और श्री श्री रविशंकर के दरमियान ये मनाजरा लगभग ढाई से तीन घंटे के दौरान ये का है आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नायक जो भी बयान करते हैं वो पीस टेलीविजन पर दिखाया जाता है और उसके बाद यूट्यूब पर भी उसको शेयर किया जाता है लेकिन श्री सीरी रविशंकर और डॉक्टर जाकिर नायक के दरमियान होने वाला मुकम्मल मनाजरा यूट्यूब पर मुकम्मल हालत में मौजूद नहीं है ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि ये मनाजरा और ये फाइल्स आखिर कहाँ गईं? डॉक्टर जाकिर नायक इसे YouTube पर शेयर क्यों नहीं करते डॉक्टर जाकिर नायक के खिलाफ जहर उगलने वाले लोग ये भी ख्याल करते हैं कि शायद डॉक्टर जाकिर नायक को इस मनाजरे में शर्मिंदगी का सामना था और वो ये मनाजरा हार गए थे यही वजह है कि डॉक्टर जाकिर नायक ये मनाजरा यूट्यूब पर शेयर नहीं करते लेकिन दोस्तों डॉक्टर जाकिर नायक से इसी हवाले से सवाल कर दिया गया और डॉक्टर जाकिर नायक ने इस पूरे सवाल का तफसील से जवाब दिया है डॉक्टर जाकिर नायक ने इस सवाल का जवाब अंग्रेज़ी जबान में गुफ्तु करते हुए दिया है टीम हम कदम अंग्रेजी जबान से उर्दू में तर्जुमा करके इस गुफ्तगु को आपके लिए पेश करने जा रही है डॉक्टर जाकिर नायक से सवाल क्या किया गया हूं डॉक्टर जाकिर नायक मुस्कुराए क्यों ये मनाजिर देखिए सवाल सुनिए और फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट फ्रॉम मीरपुर, ढाका बांग्लादेश असलांकर डिबेट विथ यू नॉट अवेलेबल ऑन दूट्यूब बांग्लादेश के दारकूमत ढाका से एक सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक तक व्हाट्सऐप के जरिए पूछा जिसमें यह कहा गया कि आपके और श्री सिद्धि रविशंकर के दरमियान होने वाली डिबेट यूट्यूब पर मौजूद क्यों नहीं है डॉक्टर जाकिर नायक ने जवाब में कहा कि मेरी श्री सिद्धि रविशंकर के साथ जनवरी दो में डिबेट हुई थी ये वही वक्त था जब डॉक्टर जाकिर नायक ने पीस टेलीविजन को लॉन्च किया था डॉक्टर झके नायक कहते हैं कि ये डिबेट बहुत कामयाब रही थी और अल्लाह की मदद से मैंने श्री श्री रविशंकर को सबके सामने शर्मिंदा कर दिया था लेकिन जब ये डिबेट खत्म हुई और प्रोग्राम खत्म हुआ तो श्री श्री रविशंकर मेरे पास अकेले में आए और मुझे कहने लगा कि ये डिबेट टेलीविजन पर नशर ना की जाए और ना ही यूट्यूब पर अपलोड की जाए डॉक्टर झाकि नायक कहते हैं कि मैंने सवाल किया आखिर क्यों जवाब में कहा गया कि इससे हंगामे फूट पड़ेंगे मुसलमान हिंदू आपस में लड़ पड़ेंगे डॉक्टर जाकिर नायक ने मुस्कुराते हुए कहा कि डिबेट तो लाखों मुसलमानों के सामने ही हुई थी वो मुसलमान का मजमा उस वक्त हॉल में मौजूद था जब ये डिबेट जारी थी अगर हंगामे होने होते तो वहीं पर बैठे हिंदू मुसलमान आपस में लड़ पड़ते डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि पचास हजार से ज्यादा हिंदू मुसलमान इकट्ठे यहाँ पर बैठे हैं कोई झगड़ा नहीं हुआ तो इसे टेलीविजन पर नशर करने के बाद हिंदू मुसलमान का झगड़ा कैसे हो सकता है लेकिन दोस्तों सवाल यह पैदा होता है कि सी सीरी सी सीरी रविशंकर आखिर ऐसा क्यों कह रहा था डॉक्टर जाकिर नायक ने खुद ही इसका जवाब दिया और उन्होंने कहा कि दरअसल कहने की वजह यह थी कि वो मुझे धमकाना चाह रहे थे या फिर सीरी सीरी रविशंकर डर गया था कि यह डिबेट अगर अपलोड हो जाएगी और पूरी दुनिया देख लेगी तो श्री श्री रविशंकर पकड़ा जाएगा और उसकी नाअहली और नालायकी पूरी दुनिया के सामने आया हो जाएगी डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि दरअसल वो मुझसे डिबेट में मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा चुका था

उसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक ने बताया कि आखिर ये डिबेट हुई क्यों थी डॉक्टर झाकि नायक ने कहा कि बेंगलोर से उनके एक मुश्तरका दोस्त थे जिसने कहा कि इस मामले पर डिबेट आपकी सीरी सीरी रविशंकर के साथ होनी चाहिए डॉक्टर जाके नायक कहते हैं कि मैंने सुनते ही हामी भर ली मुझे लगता है कि श्री श्री रविशंकर उस वक्त तक मुझे ज्यादा जानते नहीं थे डॉक्टर साके नायक ने कहा कि मैं मान गया था कि मनाजरा कर लेते हैं और तय ये हुआ था कि मनाजरे के मौके पर पहले श्री सीरी रविशंकर अपना खिताब करेगा और उसके बाद मैं खिताब करूंगा दोनों को एक एक घंटा बोलना था और उसके बाद सवालों जवाब का सेशन था मगर पहले सीरी सीरी रविशंकर ने अपना मुद्दा बयान करना था या खिताब करना था लेकिन जो ही मनाजरे का दिन आया और सुबह का वक्त हुआ और तमाम तैयारियां मुकम्मल होने लगी अचानक से श्री सीरी रविशंकर ने कहा मैं पहले खिताब नहीं करूंगा मैं बाद में खिताब करूंगा और अगर डॉक्टर जाकिर नायक ये शर्त नहीं मानते तो फिर मैं डिबेट के लिए आऊंगा भी नहीं डॉक्टर जाकिर कहते हैं कि जब मैंने ये सब कुछ सुना तो मैंने फैसला किया कि ठीक है सीधी सीधी रविशंकर से पहले मैं खिताब कर लेता हूं मगर मैं पहले खिताब 50 मिनट का करूंगा फिर एक घंटे का सीधी सीधी रविशंकर करेगा और उसके बाद बाकी दस मिनट मैं खुद लूंगा और इस बात पर सीधी सीधी रविशंकर मान गया the Last moment. I said, okay, fine. You want me to speak first? I don't mind speaking first. I told him, I will speak for 50 minutes. You speak for one hour. Then I speak for 10 minutes. He said, no. और उसके बाद डिबेट शुरू हो गई डॉक्टर झके नायक और श्री सी डी रवि स्टेज पर मौजूद थे जैसा कि तय हुआ था डॉक्टर झके नायक ने पहले 50 मिनट खिताब करना था डॉक्टर झके नायक कहते हैं कि उन्होंने मुकम्मल 50 मिनट खिताब किया और अपना मुद्दा बयान किया उसके बाद जब श्री श्री रवि शंकर अपना खिताब करने के लिए आया तो उसे एक घंटे तक खिताब करना था यानी कि साठ मिनट तक लेकिन जूँ ही आधा घंटा गुजरा तो श्री श्री रविशंकर गर्दन खुजाते हुए इधर उधर देखकर टाइम पूछने लगा कि भाई टाइम क्या हुआ है कितना वक्त रहता है और उसके बाद तकरीर के पैंतीसवें मिनट में ही श्री श्री रविशंकर अपनी बात खत्म कर चुका था यानी कि उसके पास कहने को कुछ नहीं था और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक की बारी थी उन्होंने 10 मिनट के लिए अपना फिर से मुकम्मल खिताब किया और डॉक्टर जाकिर नायक कहते हैं कि उसके बावजूद उनके कुछ पॉइंट्स रह गए थे इसीलिए उन्होंने एक मिनट और कुछ सेकंड्स ज्यादा भी ले लिए डॉक्टर जाकिर नायक इस डिबेट का हवा बता रहे थे मगर वजह क्या थी कि डॉक्टर जाकिर नायक की ये डिबेट आज यूट्यूब पर मौजूद नहीं है और आने वाले दिनों में ये कहाँ से मिल सकती है डॉक्टर जाकिर नायक ने यह भी बताया डॉक्टर जाकि नायक ने कहा कि जब ये मकालमा और मनाजरा जारी था तो उसी मौके पर सीरी स्री रविशंकर को ये एहसास हो गया था कि वो ये डिबेट हार गया है और उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा यही वजह थी कि वो स्टेज पर भी मुझे धमकाने लगा कि यह डिबेट दोबारा टेलीविजन पर नहीं चलेगी एक बार लाइव चल गई सो चल गई आज के बाद ये कहीं और किसी भी प्लेटफॉर्म पर नज़र न आए लेकिन अब श्री श्री रविशंकर जैसा मक्कार आदमी अपने लिए कुछ ना कुछ तो करेगा उसने ये सोचा कि जाकिर नाइक ऐसे तो मान नहीं रहे और जाकिर नाइक रुके भी नहीं यही डिबेट डॉक्टर जाकिर नाइक की जानी से पीस टेलीविजन पर कई मरतबा बरह रास्त लोगों को दिखाई गई है और दुनिया भर के लाखों लोगों ने इसे देखा है लेकिन ये बात श्री श्री रविशंकर को बहुत ज्यादा चुभ रही थी और वो चाहता था कि ये डिबेट आज के बाद कभी भी टीवी पर नजर ना आए लेकिन जाकिर नाइक बार बार ऐसा कर रहे थे और लोगों को दिखा रहे थे कि किस तरह श्री श्री रविशंकर बेनकाब हो गया मकार रविशंकर को जब कोई और रास्ता नजर ना आया तो वो ये पूरा मामला उठाकर अदालत में ले गया और अदालत में जाकर ये कहने लगा कि इस पूरी डिबेट के कॉपीराइट्स मेरे हैं यानी कि इस डिबेट में मैं नजर आ रहा हूं और ये डिबेट मेरी है डॉक्टर जाकिर नायक इसे अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं चला सकते श्री श्री रविशंकर को लगा था कि शायद भारतीय अदालतें उसके हक़ में फैसला दे देंगी और ये डिबेट टेलीविज़न से हट जाएगी डॉक्टर जाकिर नायक ने बताया कि साल 2006 में होने वाले मनाजरे के बाद जब श्री श्री रविशंकर कुछ सालों बाद इसे भारतीय अदालत में ले गया तो वहां से ये फैसला सन 2016 में आया और कहा गया कि इस डिबेट के तमाम कॉपीराइट्स डॉक्टर जाकिर नायक और उनकी टीम के पास हैं क्योंकि श्री श्री रविशंकर ने इस डिबेट के अहतमाम में एक रुपया भी नहीं लगाया था उसने बतौर मेहमान शिरकत की थी और वो अपना खिताब करने

लेकिन उसके बाद जब ये डिबेट डॉक्टर जाकिर नाइक और उनकी टीम की जानव से यूट्यूब पर अपलोड की गई तो वहां पर भी श्री श्री रविशंकर ने डॉक्टर जाकिर जाकिनाइक का पीछा ना छोड़ा और इस शख्स ने यूट्यूब पर भी डॉक्टर जाकिर नायक को कॉपी स्ट्राइक दे दी डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि यूट्यूब एक अदालत नहीं है लिहाजा वहां पर फैसला कंप्यूटर ने एल्गोरिदम्स की मदद से करना होता है और यूट्यूब ने जू ही श्री श्री रविशंकर की ये स्ट्राइक भेजी गई तो इसे तस्लीम कर लिया और यूट्यूब ने मान लिया कि ठीक है इस वीडियो में आप नजर आ रहे हैं लिहाजा इसके मालिक भी आप ही होंगे और यूं डॉक्टर जाकिर की टीम को यह पूरा मनाजरा यूट्यूब से हटाना पड़ा है लेकिन दोस्तों सवाल यह पैदा होता है कि डॉक्टर जाकिर पीस टेलीविज़न पर तो दिखा सकते हैं वो लोग जो पीस टेलीविजन नहीं देखते वो ये मनाजरा आने वाले दिनों में कब और कहां देख सकेंगे डॉक्टर जाकिर नायक ने इसका भी जवाब दिया It was done by the organizer and we had supported. He did not spend a single penny. Maximum maybe he came by car and the petrol. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब अच्छी खबर यह है कि मैं बहुत जल्द वो मनाजरा पूरी दुनिया के लिए पेश करने जा रहा हूं और दुनिया भर के मुसलमान गैर मुस्लिम लोग उसे समझ और देख सकेंगे मगर ये यूट्यूब पर दस्तियाब नहीं होगा क्योंकि यूट्यूब पर श्री श्री रविशंकर की जानब से कॉपी राइट्स का दावा किया जाता है जिसे यूट्यूब मान लेता है लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक ने फैसला किया है कि अल अलहदया टेलीविजन के नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की जाएगी डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि ये वेबसाइट दरअसल नेटफ्लिक्स की तर्ज की और उससे भी बड़ी वेबसाइट बन जाएगी अलहदाया टीवी की इस वेबसाइट पर डॉक्टर जाकिर नायक के मुताबिक श्री स्री रविशंकर के साथ होने वाली डिबेट वहां पर अपलोड कर दी जाएगी और मार्च 2021 के बाद से यह डिबेट दस्तियाब होगी कोई भी शख्स इसे वहां से देख सकता है याद रखिए दोस्तों डॉक्टर जाकिर नायक की जानब से हाल ही में फैसला किया गया है कि वो नेटफ्लिक्स की तर्ज का अहिदाया टेलीविजन लेकर आएंगे वाज रहे है कि नेटफ्लिक्स दरअसल एक फिल्में और मूवीज़ देखने की वेबसाइट है जहाँ पर दुनिया भर से फिल्में अपलोड होती हैं और लोग पैसे देकर वो फिल्में देखते हैं अब डॉक्टर जाकिर नायक उसके मुकाबले

we are going to launch a new platform and that is al-hidayah there will be some videos which will be free inshallah this video this debate of myself with Shankar, will keep it free anyone can watch inshallah so this will be one of the debates that inshallah it will be free डॉक्टर जकिर नायक अपनी बात मुकम्मल कर चुके थे और उन्होंने बता दिया था कि श्री श्री रविशंकर के साथ होने वाला मकालमा यूट्यूब पर मौजूद क्यों नहीं और अल्हिदाया टीवी पर यह कैसे देखा जा सकता है दोस्तों टीम हम कदम यहाँ पर आपसे एक सवाल करना चाहती है आप किस मामले पर क्या राय है आप श्री श्री रविशंकर को क्या पैगाम देना चाहते हैं कॉमेंट कीजिए डॉक्टर झकिर नायक से मोहब्बत का इजहार कीजिए और श्री श्री रविशंकर को बता दीजिए कि मुसलमान डॉक्टर झकिर नायक से कितना प्यार करते हैं वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए